देखो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होने का रीजन वो क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी और अ सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन अ फील्ड और बाय इट्स कॉन्फिगरेशन। पोजीशन का मतलब आपने ईंट को उठा के एच हाइट पर रख दी, पोजीशन चेंज कर दी तो क्या आ गई ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। कॉन्फिगरेशन का मतलब एक स्प्रिंग था, स्प्रिंग को घुमा दिया और उसमें क्या भर दी एनर्जी। तो ये दो रीजन है एनर्जी होने के। तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूचुअल एनर्जी, एनर्जी ऑफ कॉन्फिगरेशन। एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमने कर ली, बॉडी लाइंग ऑन द रूफ ऑफ बिल्डिंग हैज सम पोटेंशियल एनर्जी, ईंट पड़ी है बिल्डिंग के ऊपर, पोटेंशियल एनर्जी है। जब उसको छोड़ दिया गया नीचे आ गई, वो कुछ काम भी कर सकती है, सर भी फोड़ सकती है क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फिगरेशन, जैसे एक टॉय है, टॉय चाबी वाला टॉय है, चाबी भरते हैं स्प्रिंग घूमता है, स्प्रिंग एक्सपैंड होता है, छोड़ दो स्प्रिंग नॉर्मल पोजीशन पे आता है, टायर के साथ बंधा होता है, टायर घूमता है, टॉय चलता है, तो एनर्जी भरते हैं हम तो वर्क डन करते हैं, चाबी भरने का मतलब हम तो वर्क डन करते हैं, उसमें एनर्जी भरी जाती है, स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी में प्लस वन में हम पढ़ेंगे अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की वजह से, प्लस टू में पढ़ेंगे चार्जेस की वजह से। तो तीन किस्म की एनर्जीज हम पूरे प्लस वन प्लस टू में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से है, ये सरफेस ऑफ अर्थ से अगर हाइट अटेन करती है बॉडी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक्सप्रेशन क्या है एनर्जी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, ये ऑब्जेक्ट है ऊपर गया तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके आने में फोर्स कितनी लगाई, एम जी, कहां लगाई, नीचे की ऊपर, ऊपर डिस्प्लेसमेंट कहां हुई, ऊपर, तो ऊपर की फोर्स, ऊपर की डिस्प्लेसमेंट और एंगल बिटवीन देम इज जीरो, cos जीरो इज वन, आंसर एम जी है। तो मैंने जो वर्क डन किया वो स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब किसी ने क्लास के बाद क्वेश्चन पूछा मुझसे अभी दूसरे बैच का कि सर वेट ग्रेविटी की फोर्स तो हमेशा नीचे है तो आपको ये करना चाहिए था एम जी, एच ऊपर है तो एम जी इंटू एच नेगेटिव में आंसर आएगा। कितने लोग एग्री करते हैं और माइंड में आता है कि ऐसा भी हो सकता था, आपने अपनी फोर्स ली एम जी और जबकि फोर्स तो ग्रेविटी के नीचे लगती है, आपने ऊपर कैसे ले लिया एम जी, एम जी तो नीचे लगता है, तो पॉइंट तो वैलिड था। दो लोग काम करते हैं किसी भी बॉडी पे, एक मैं और एक अर्थ। अर्थ कहती है देखो मेरे हिसाब से फोर्स है नीचे, आप बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हो तो मेरे हिसाब से वर्क डन नेगेटिव है क्योंकि मेरे हिसाब से फोर्स तो नीचे, आप ऊपर ले गए तो नेगेटिव है। लेकिन मैं एक्सटर्नल जो ईंट उठा रहे हैं वो कहते देख मेरे को तेरा लेना देना नहीं, अर्थ कहता है मैं अपना वर्क डन करूंगा, तो मेरे हिसाब से फोर्स कहाँ है, मैं कहाँ लगा रहा हूँ, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है, ऊपर, एमजीएच। तो हम दोनों के देखने के नजरिए में फर्क है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगेन जैसे चलता था, इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो नहीं चलता पर दो लोगों का काम में नेगेटिव का इसलिए अंतर है क्योंकि वो फोर्स नीचे लेती है और मैं फोर्स अपना ऊपर लगाऊंगा। हम ये लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ये दो फोर्सेस में नेगेटिव का फर्क होता है, तो ऐसा इसको कैसे हैंडल करना है इसको भी डिस्कस करेंगे। तो कई लोग कहते हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे तो नेगेटिव की पॉजिटिव, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, हम फिजिक्स में थंब रूल बनाते हैं, हम एक्सटर्नल का ही वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, अर्थ का नहीं करते, हम अपना ही करेंगे। दो लोग काम कर रहे हैं तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो एक फैसला करो हम एक्सटर्नल हम ही काम किया करेंगे और हमारे एक्सप्रेशन में हमारा वर्क डन ही काउंट होगा, तो इसलिए पॉजिटिव, ठीक है। तो यू से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक। तो ये एक एग्जांपल है,